कल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्डर निकाला है, जैफरान के जो बीज है वो बाहर बेचे जा रहे हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, उस पर बैन लगाई है। तो आप जैफरान के किसान भी हैं, तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? जैसा कि आपने भी सुना और देखा, मैंने भी व्हाट्सएप में पढ़ा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ साहब ने एक आर्डर निकाला है कि जिला किश्तवाड़ के बाहर जो जैफरान का बीज है वो बैन किया गया है बेचने के लिए, और उनको महकमा ने बताया गया है, महकमे के जरिए उनको खबर दी गई, तब जाकर उन्होंने वो आर्डर निकाला। मगर मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके चंद ही कदम फासले पर उनका एग्रीकल्चर वालों का अपना सेफरन फार्म है, वो वहाँ पर एक बार विजिट करें, वहाँ पर देखें कि अगर उनके अपने फार्म की क्या हालत है, वो उसको कितनी देख रेख कर सकते हैं। और ज़मींदारों के लिए उन्होंने वो उनसे पूछें कि आज सीज़न था ज़मींदारों को बीज निकालने का भी और बीज लगाने का भी, उन्होंने ज़मींदारों को कितना अवेयर किया कि बीज कैसे लगाना है, कैसे आप निकाल रहे हो, ट्रैक्टर लगा के आपने निकालना है या ट्रैक्टर लगा कर आपने लगाना है, कैसे क्या लगाना है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं। बीज में कितनी किस्म की बीमारियाँ लगती हैं, जो उसके लिए मेडिसिन आती हैं वो मुहैया करने में डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। ज़मींदारों के जो इस वक्त भी दो दो साल का केयूं के पास अपना सैफरन पड़ा हुआ है, मगर कोई उसकी मार्केट नहीं है, कोई मार्केट उनको दी नहीं गई, कोई मंडी नहीं, कोई रेट नहीं उनके लिए। हमारे लिए 2017 में शायद जब मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ सीएम एज ए सीएम यहाँ पर आई थी, पब्लिक दरबार उन्होंने लगाया था, यहाँ सैफरन पार्क हमें सैंक्शन किया गया था। सैफरन पार्क जो कि पुछाल में सैफरन का हब माना जाता है, सैफरन वैली जिसको कहते हैं लोग, जहां पर सबसे ज़्यादा सैफरन उगाया जाता है, जब वहां पर जनाब अली वो पार्क नहीं बना, वहां पर लैंड आइडेंटिफाई दो तीन जगह की गई मगर नहीं बना, बाद में सैफरन पार्क जो यहां पर इनका अपना लैंड है वहां पर बेरवाड़ में उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, मगर आज तक हमारे लिए वो सैफरन पार्क नहीं बना, तामीर नहीं कर सकी गवर्नमेंट। वजह क्या है? अगर कश्मीर में सैफरन पार्क बन गया, अब अगर डिपार्टमेंट बीज लेने और आवाम तक पहुंचाने में नाकाम रही है, वो पहले खुद बीज लेते थे ज़मींदारों से और बाद में नए ज़मींदारों को बेचकर सस्ते दामों उनको देकर उनको कल्टीवेशन के लिए मोटिवेट करती थी कि इसको बीज लगाया जाए ताकि इसकी पैदावार बढ़े, मगर जब उनकी मार्केट नहीं है, उनको दो दो साल से सैफरन घर में पड़ा हुआ है, वो क्या करेंगे? उसको चटनी बनाकर तो नहीं खा सकते हैं। उनकी बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो ज़मींदारों की होती थी उसी पर निर्भर रहती थी। इसलिए हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से दरख्वास्त रहेगी कि वो डिपार्टमेंट की मिसगाइड की वजह से उन्होंने ये आर्डर निकाला है, ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंच सके, जिसको बैन किया जाए। कल को वो हमें कहेंगे आप मक्की भी मत बेचो, कल को वो हमें कहेंगे गुंदम भी मत बेचो, ये कोई मंशात जैसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मंशात पैदा हो और जिसको बैन किया जाए बेचने से। अगर कश्मीर से कोई व्यापारी यहाँ पर सीड लेने आया है, उसने अगर यहाँ से लिया, डिपार्टमेंट फेल क्यों हुआ? फिर वो ज़मींदार उसे क्यों नहीं ले सका? जब ज़मींदार को अच्छा रेट मिला, डिपार्टमेंट लेता था, एक साल के बाद ज़मींदार को पैसे देता था, हैं, डिपार्टमेंट ने आज तक सैफरन वालों को पाउंड्स बनाने के लिए कोई पाउंड मुहैया नहीं किया। डाट जब पड़ता है, सैफरन को पानी की ज़रूरत पड़ती है जिससे पैदावार होती है, उसको सीज़न पर उसको पानी मिलना चाहिए, वो ऐसा कोई डिपार्टमेंट ने किया नहीं आज तक, किसी भी इलाके में कोई पाउंड नहीं बनाया। हाँ, कहीं कागजों में दिखाए हैं, कई पाउंड उन्होंने पैसे निकाले हैं, खुरबुद हो। लोग क्यों बेच रहे हैं सैफरन? लोग बेच रहे हैं इसलिए जब उनको मंडी नहीं मिल रही है, आधा आधा किलो सैफरन घर में लोगों को पड़ा हुआ है, वो करेंगे क्या? अपने बच्चों को पालेंगे कैसे? वो इस फसल को छोड़कर दूसरी फसल की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने अपने खेतों में अखरोट लगाए, सेब के बागात लगाए, जब जहाँ से उनको फायदा मिल सके। सैफरन लैंड पे काफी कंस्ट्रक्शन भी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी नौकरी में नाकाम हुई, तो क्या बोलेंगे इसको लेकर? जनाब, वो तो सैफरन लैंड परचेज करना और शेयर करना पहले ही बैन किया गया था। अब गवर्नमेंट यहाँ पर अपने पर्पज के लिए भी, अपनी बिल्डिंगों के लिए भी जब वही सैफरन लैंड ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर पब्लिक को बेचने में क्या है? पब्लिक भी कंस्ट्रक्शन कर लिए, जब गवर्नमेंट क्वार्टर बन रहे हैं सैफरन लैंड में, तो ऐसे में पब्लिक भी अगर अपना मकान बना रही है तो उसमें क्या कर सकते? तो अब क्या बोलेंगे आप गवर्नमेंट को? हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि वो पहले डिपार्टमेंट से पूछे कि आपने आज तक सैफरन पार्क बनाया क्यों नहीं। अगर वो 2017 में सैंक्शन हुआ था, कश्मीर में बनकर तैयार हुआ, जहाँ से हमारे जमींदारों को, सैफरन काश्तकारों को
ट्रेनिंग दी जाती थी भाई कैसे इसको क्या कहते हैं, जिसके इसकी एक मंडी बनती, उनको कहीं मंडी मिलती बेचने के लिए, कोई रेट फिक्स होता, जबकि दुनिया में नंबर एक पे सैफरान किश्तवाड़ का आता है। अगर ईरान से हिंदुस्तान में सैफरान बेचने के लिए आ सकता है, क्या हमारे किश्तवाड़ या कश्मीर का सैफरान हिंदुस्तान में नहीं बिक सकता है? मगर गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। आप देखो भदरवाही राजमाश को टैग मिला, क्या किश्तवाड़ के सैफरान को टैग नहीं मिलना चाहिए सर, जो वर्ल्ड का नंबर वन सैफरान है? ऐसा क्यों हुआ? गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि यहाँ के काश्तकार जो है वो ग्रो करें, वो इस काश्त की तरफ रागिब हों। शुक्रिया।